हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड मी। आप सबको लग रहा होगा कि यह एक ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल है, बट इसमें हम ट्रैवल के साथ साथ आपको डिफरेंट कंटेंट वीडियोस भी देखने को मिलेगी। सो चलिए आज के टॉपिक के साथ शुरू करते हैं एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ फ्रेंकली मैंने काफ़ी ऑनलाइन वीडियोज़ देखी हैं जिसमें कि स्टडी वीज़ा के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है, बट देर आर वेरी फ्यू वीडियोज़ कि जिसमें PNP और वर्क परमिट के रिगार्डिंग कुछ बताया गया हो। मैं खुद पंजाब से हूँ एंड मुझे कनाडा आए 3 साल हो चुके हैं। मैंने खुद अपनी वर्क परमिट के थ्रू फाइल प्रोसेस की थी एंड ऑनेस्टली मुझे भी किसी ने गाइड किया था ड्यूरिंग माई प्रोसेस, सो आई थॉट ऑफ वाई नॉट शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विद यू गाइज, सो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर समवन एल्स टू। काफ़ी लोगों को लगता है दैट स्टडी परमिट इज़ द ओनली वे टू कम टू कैनेडा, बट इन टूडेज टाइम आप अपने होम टाउन से PNP और वर्क परमिट और एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैनेडा एज लॉन्ग एज यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। वर्क परमिट, PNP एंड एक्सप्रेस एंट्री आर ऑल इंटर रिलेटेड। एक्सप्रेस एंट्री आर हैंडल्ड एट फेडरल लेवल एंड PNP विच इज़ द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स आर हैंडल्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ डज दिस वर्क परमिट और PNP आउटसाइड कैनेडा वर्क्स। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आई एम एन एम्प्लॉयर एंड आई ओन अ बिजनेस इन कैनेडा। मुझे मेरे बिजनेस के लिए एक एम्प्लॉय की अर्जेंट ज़रूरत है, देन आई विल पुट एन एप्लीकेशन टू द कैनेडियन इमिग्रेशन विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स। साथ ही मैं एक लोकल न्यूज़पेपर और कैनेडा जॉब बैंक साइट में इस वैकेंसी की एड रन करूँगा। ये ऐड मिनिमम 1 से 2 मंथ तक रन की जाती है और जब ये ऐड का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है मैं एज अ बिजनेस ओनर इन्फॉर्म करूँगा टू दी इमिग्रेंट ऑफिसर को दैट मुझे कोई कैनेडा में सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है हु कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, और इससे मेरा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। पोस्ट इवेल्युएटिंग द फाइल जो इमिग्रेंट ऑफिसर है दे विल ग्रांट मी द अप्रूवल टू लुक फॉर अ फॉरन वर्कर हु कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। इस प्रोसेस को कहा जाता है LMIA। अब जैसे कि मेरे केस में था, मेरे एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर थे 410 और उस टाइम पे जो ड्रॉ चल रहा था उसका स्कोर था 440। सो मुझे किसी ने सजेस्ट किया टू गो फॉर LMIA विच इज़ द लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब हम बात करेंगे अबाउट द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट, PNP एंड एक्सप्रेस एंट्री। ग्रेजुएशन इज मस्ट। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इट विल एड एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू योर स्कोर्स। देन आपको IELTS करना पड़ेगा जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है लिसनिंग में 8 एंड रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग में 7 ईच बैंड। आप सेल्फ पे भी कर सकते हैं और उसके साथ आपको 2 से 3 साल का मिनिमम मैनेजरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको वो सेम फील्ड की जॉब की रिक्वायरमेंट कैनेडा में देखनी पड़ेगी जिसमें आप उनके नॉक कोड में चेक कर सकते हैं जो कि CIC की वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है। साथ ही आपको आपका फैमिली बैकग्राउंड उनको सारा बताना पड़ेगा इफ़ यू आर मैरिड और अ सिंगल एंड अदर देन दैट आपके फाइनेंशियल। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप जॉब देख रहे हैं इन कैनेडा तो स्मॉल सिटीज़ और स्मॉल टाउन्स में यू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑन योर PNP स्कोर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू क्वालिफाई फॉर द PNP और टू क्वालिफाई फॉर द एक्सप्रेस एंट्री। आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन आई शेयर विद यू गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट बिलो, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Subscribe this channel for more informative and amazing videos. Until then, stay safe, stay healthy.